देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आज पहली बार, कल रात में हम दिल्ली आए हैं और आज हमारी मुलाकात अपने घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व से हुआ है, जिसमें कि आप सब लोग जानते हैं डी राजा जी, येचुरी साहब और मैडम सोनिया गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो नई सरकार बिहार में पुनः से महागठबंधन सरकार बनी है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसको लेकर के सभी लोगों ने हमको बधाई भी दिया और हम सब लोगों ने जो प्री पोल महागठबंधन अलायंस थे, मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के निर्णय का स्वागत किया है और ये सरकार मजबूती के साथ चलेगी, क्योंकि ये सरकार गरीब की सरकार है, ये सरकार असली सरकार है, महागठबंधन की सरकार, ये सरकार जनता की सरकार है। और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय वक्त देखते हुए सही समय पर, भाजपा को आप कह सकते हैं तमाचा मारने का काम किया है। और अब बिहार असेंबली में भाजपा को छोड़कर के सारे दल हम लोग एक हो चुके हैं। अब यही दृश्य जो है पूरे देश में दिखने वाला है। लोग त्रस्त हैं महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, जो ये सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो भाईचारा जो हमारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब जो बिगाड़ना चाहते थे, एक बार फिर से बिहार ने ये काम करके दिखाया है, देश को एक नया दिशा देने का काम किया है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं, मैडम सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देते हैं, येचुरी साहब, दीपांकर साहब, राजा साहब, और सबसे बड़ी बात, जो महागठबंधन जब बना था तो आदरणीय हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो कि हमारे पिता आदरणीय लालू जी हैं, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने जिंदगी भर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और गरीबों की लड़ाई लड़ी, और आपने कभी भी फिरका प्रस्ती शक्तियों से आप ना डरे हैं ना झुके हैं। क्योंकि जो माहौल आप देखिएगा, भाजपा क्या कर रही थी पूरे देश में, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपका झारखंड में क्या हो रहा था, ये सारा ड्रामा हम लोगों ने देखने का काम किया है। यानी जो डरेगा उसको डराओ, जो बिकेगा उसको खरीदो, यही काम भाजपा का रह गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस था उसको एक एक करके बर्बाद किया जा रहा, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, इनकी हालत तो पुलिस थाने से भी बदतर हो चुकी है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये लोग किसको डराना चाहते हैं? हम बिहार के लोग डरने वाले नहीं हैं, और हमने पहले भी कहा था, बिहारी जो होता है बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करने वाला है। तो फिर से बिहार ने ये करके दिखाया है, नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया है, और आप तो जानते ही हैं कि जेडीयू के राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय श्री ललन जी ने एक एक बात बताई है कि किस प्रकार से ये रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहते थे। और हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, जिसका ध्यान नहीं गया हुआ किसी का, रीजनल पार्टी ज्यादातर पिछड़ों की है और दलितों की है। आप बिहार में नीतीश कुमार जी को खत्म करना चाहते थे जो पिछड़ा समाज से आते, आपने राम विलास जी के पार्टी को दो भाग में कर दिया, उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, और क्षेत्रीय दल अगर खत्म हो जाएगा तो यानी ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा, ऑपोजिशन खत्म हुआ तो लोकतंत्र खत्म होगा, और जब लोकतंत्र खत्म हो गया
तो आप समझिए कि राजा महाराजा और तानाशाह तरीके से ये राज चलेगा, देश चलेगा। इसलिए हम लोगों का नीतीश जी, अरे भाई सुन तो लो यार, नीतीश जी हमने उन पे आरोप लगाया, उन्होंने हम पर आरोप लगाया, लेकिन हम लोग एक घर के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, और हम आपको कह सकते हैं कि हर घर में झगड़ा होता रहा है, लेकिन देश के हालात को देखते हुए जो उन्होंने निर्णय लिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और ये समाजवादियों की जो विरासत है, जो हमारे पुरखों ने हमको दिया है, हमसे कोई और नहीं छीनेगा। और आप तो जानते हैं, एक वाक्य हुआ था विधानसभा में, जहां गुस्से में हम लीडर ऑपोजिशन थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नई नई सरकार बनी थी चुनाव के बाद, 20 के बाद, नीतीश जी खड़े होकर के क्या बोले थे, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है। यानी उस समय भी अपनापन था, उस समय भी रिश्ता था, उस समय भी विश्वास था, भरोसा था। दूसरी वाक्य हम बताना चाहते, नीतीश कुमार जी ने बोला था, बाबू बैठ जाओ, किसी मुद्दे को लेकर के हम खड़े थे तो बाबू बैठ जाओ, तो एक तरह से वो आदेश भी था और प्यार भी था, हमारे लिए तो आशीर्वाद भी था, और हम चुपचाप बैठ भी गए थे। तो हम लोग भले ही लड़े हो, झगड़े हो, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट का अगर कोई मुद्दा आता है तो हमारी जवाबदेही है। जब आप दंगा फसाद कराना चाहते हो, क्योंकि बिहार असेंबली में भाजपा के लोगों ने क्या कहा था, मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट जो है वो छीन लेना चाहिए, तब जाकर के हम खड़े होकर के बोले थे, किसी माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका वोटिंग अधिकार छीन। हमारी देश की यही खूबसूरती है कि अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग राज है, अलग अलग खान पान है, लेकिन यही जो डाइवर्सिटी है इस देश की, यही इस देश की खूबसूरती है। तो इस अपने देश को बचाना है, इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ एक हुए हैं। इसके बाद आपका कोई सवाल पहले ही तो अमित शाह वहाँ से लौटे और उन्होंने कहा क्या कि नेता हमारे नीतीश कुमार, और जंगल राज में आप खड़े होकर के जंगल राज चिल्लाओगे और आपका कोई मुंह नहीं तोड़ेगा, तो वो जंगल राज थोड़ी ना है। जंगल राज तो केंद्र में है, जहाँ भाजपा के एमपी भी चू तक नहीं कर सकते, जहाँ तानाशाही है, कहाँ ऐसे मा? और जंगल राज का अगर विश्लेषण करोगे तो डेटा होना चाहिए ना, आंकड़े उठा करके देख लीजिए। आप छोड़ो जंगल राज कहते हैं, तो एनसीआर भी, भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का, आप डेटा उठा करके देख लीजिए, बिहार कौन से स्थान पे है, दिल्ली कहाँ पे है जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं। अरे भाई, कथनी और कहानी से अब देश चलने वाला है क्या, परसेप्शन बदलने वाला है क्या, अब सच्चाई आएगी, बाहर निकलेगी, और आप देख नहीं रहे हैं। ये भाजपा वालों को हमने लाइन पर ला दिया, कैसे लाइन पर ला दिया, और जो समर्थित बीजेपी माइंडसेट के लोग थे, आज वो भी सवाल पूछ रहे कि रोजगार कब दोगे, कब आप बेरोजगारी मिटाओगे, 10 लाख का क्या होगा, जो असल मुद्दा है। अब भाजपा के लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि रोजगार का क्या हुआ, यानी हम उनको यहाँ खींच के ले आए। अगर वो सवाल आज सही एजेंडे पे बात हो रही तो ये हमारी उपलब्धि है। और रोजगार के बारे में चिंता मत कीजिए, आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है कि सब काम हम लोग मिलकर के करेंगे, और यही नहीं, आप समझ लीजिए रोजगार के बारे में जो कहा है वो होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी जी एक सवाल है, तेजस्वी एक मिनट, तेजस्वी जी
ये कहा जा रहा है, हर प्रदेश में बोल रहे हैं कि नीतीश होंगे सर, इधर आ जाइए सर, ममता को प्रधानमंत्री उम्मीदवार आगे आना इंटरेस्ट है सर, सर आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप एक बात समझिए, ये जो भाजपा वाले जो कह रहे थे रोजगार के बारे में, 2 करोड़ कितना हो गया, कितने साल हो गए, 16 करोड़, 8 हाँ 8 साल हो गया, 2 करोड़ से गुनाह कीजिए तो 16 करोड़। अब बिहार का 19 लाख अलग, ये 2 साल तो बर्बाद कर दिए नौजवानों का। तेजस्वी जी एक सवाल, एक सवाल है सर, ये सही सर, एक दिन इस सवाल को देखिए सर, एक सवाल तेजस्वी सर, कौन कौन होगा सर, कौन कौन होगा, हमको लगता है कि अब सभी ऑपोजिशन पार्टी को एक साथ बैठने का टाइम आ गया है, क्योंकि बिहार ने वो दिशा दी है, एक लड़ने का जज्बा दिया है, सब लोगों को बैठ करके अब रणनीति बनानी चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए।